सो हेलो माई ऑल टेकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल कूल टेक्नो फॉर यू. माई नेम इज वर्चुअल सिंह एंड आई हैव कम विद अ न्यू वन इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज डार्क मोड. ओके सो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में ये जानेंगे कि डार्क मोड को इनेबल करना हमारे लिए सेफ है या अनसेफ है, हम अपने पीसी या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में इसको इनेबल क्यों करते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है. सो फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि इसके पीछे की साइंस जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि डार्क मोड को हम इनेबल क्यों करते हैं. ठीक है, तो डार्क मोड को हम इनेबल इसलिए करते हैं कि हमारे आँखों पर जो लाइट का प्रेशर होता है वो कम हो जाए. ठीक है, तो ये तो जान गए. अब एक चीज और भी बता दूं मैं कि डार्क मोड का दूसरा नाम है नाइट मोड. अब नाइट मोड से बहुत लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि नाइट मोड जब नाम पड़ा तो क्यों पड़ा. नाइट मोड इसलिए नाम पड़ा कि आप इसको जब आपके चारों तरफ अंधेरा हो तभी आप इसको इनेबल करो. अगर आप घर में हो, आपकी सारी लाइट्स ऑफ हैं, तब आप इसको इनेबल करो. अगर आप कहीं बाहर गए हो और रात का टाइम है, ठीक है, नाइट टाइम है, तो आप इसको इनेबल करो. ठीक है, ये नहीं कि कब आप इसको परमानेंटली इनेबल रखो. दिन में भी देखने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है आपका फ़ोन, कि ब्लैक कलर का फ़ोन, वाइट कलर का फॉन्ट, ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है. लेकिन जो हमारी आंखों पे प्रेशर जा रहा है वो हमको तभी पता चलता है जब हमारी वही दो आँख चार आँख हो जाती है, आई मीन चश्मा लग जाता है, तब पता चलता है. ठीक है, तो उससे पहले ही आपके चश्मा ना लगे, उससे पहले ही आप समझ लो कि डार्क मोड को इनेबल कब करना है और कब नहीं करना है. ठीक है, तो सबसे पहले इसके पीछे की साइंस जानते हैं क्या है. साइंस ये है कि देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी लाइट है तो सबसे पहले वो हमारी आंखों में पड़ती है तो उसको किसका सामना करना पड़ता है, हमारे कॉर्निया का सामना करना पड़ता है. कॉर्निया के टच में आती कोई भी लाइट हमारे, क्योंकि कॉर्निया कहाँ होता है, हमारे आंखों के फ्रंट पे कॉर्निया होता है, मतलब हमारी जो आईज होती हैं उनके फ्रंट पे ही कॉर्निया होता है, जो हमारे आईज के और भी पार्ट्स जो रहते हैं इंटरनल उसको कवर किया रहता है. ठीक है, तो कॉर्निया क्या है, कॉर्निया एक ऐसी जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो हमारे क्या करता है, सारे पार्ट्स को कवर किया रहता है. मतलब आँखों की आईज की जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे आयरिस हो गया, रेटिना हो गया, रेटिना तो हमारे आँख का पिछला वाला भाग होता है, तो ये सारी चीज़ों को क्या रहता है, हमारी ये सारी चीज़ों को कॉर्निया कवर किया रहता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स कॉर्निया हमारा बहुत काम करता है. अब हम जानते हैं कि कॉर्निया के पीछे का राज क्या है. ठीक है, तो राज जानने से पहले हम ये भी जानेंगे कि कॉर्निया पे जब कोई भी लाइट पड़ती है तो इसका अफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉर्निया के ऊपर जब लाइट पड़ती है, अगर कोई भी लाइट पड़ती है कॉर्निया के ऊपर, तो वो उसको अफेक्ट करती है. अफेक्ट करने का मतलब है कि जब अगर आपके कॉर्निया पे ज़्यादा लाइट पड़ती है तो वो कॉर्निया में कुछ स्क्रैचेस कर देती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं आपके कॉर्निया में, जिसकी वजह से वो जो इमेज लेके रेटिना के पास जा रही है वो क्लियर इमेज लेके नहीं जा पाती है. मतलब जो आपका रेटिना है वो क्लियर इमेज नहीं बनाता है, जिससे आपको ऑब्जेक्ट जो रहता है वो क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है. सिंपल है. ठीक है, तो कॉर्निया अगर आपका सुरक्षित है, अब ये होता क्या है, कॉर्निया पे जब कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट पड़ता है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है जब वो कॉर्निया पे जब वो लैंड होता है, पड़ता है, तो होता क्या है कि कॉर्निया, कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट हार्मफुल होते हैं, जैसे रेडिएशंस होती हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो हमारे कॉर्निया का क्या करता है, बुरा हाल करता है. मतलब स्क्रैचेस डाल सकता है या हमारी आंखों का इतना इतना बुरा हाल कर सकता है कि हमारी आंखें जो होती हैं वो ब्लडी दिखने लगती हैं, मतलब खूनी कलर की दिखने लगती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉर्निया करता है. तो इसलिए आपकी आंखों को लाइट से बचाने के लिए, ज़्यादा लाइट से बचाने के लिए डार्क मोड को इनेबल करना, डार्क मोड को हमारे फ़ोन में क्या करना पड़ा, इंस्टॉल करना पड़ा, जिसकी वजह से आपकी आंखें जो रहें बची रहें. लेकिन कब बची रहती हैं, अगर आपकी आंखों पे कम रोशनी भी पड़ रही है तो भी आपकी आंखों पे उतना ही प्रेशर पड़ रहा है जितना आपकी आंखों पे अगर ज़्यादा रोशनी पड़ रही है. तो डार्क मोड को आप रात में लाइट्स ऑफ रहें या रात का टाइम रहे, जब अंधेरा रहे चारों तरफ, तभी इनेबल रखो. अगर आप दिन में इसको इनेबल रखते हो तो होता क्या है कि आपकी आंखों का जो रेटिना वाला पार्ट होता है वो उसको क्या दो, उसका साइज बड़ा हो जाता है, जिससे आपकी आंखों में वही प्रेशर पड़ता है जो आपकी आंखों में ज़्यादा रोशनी जा रही थी तो पड़ रहा था. ठीक है, तो दोनों आपके लिए बेकार है. मतलब अगर आप
लाइट जो आपका जो नाइट मोड है उसको अगर आप दिन में इनेबल रखते हो तो बेकार है। अगर आप क्या करते हो लाइट मोड को, जो हमारा जो वाइट मोड होता है उसको अगर आप रात में इनेबल रखते हो तो बेकार है। तो जो दोनों के पीछे की साइंस यही है कि जो डे मोड है, डे मोड मतलब जो आपकी वाइट स्क्रीन रहती है और ब्लैक फॉन्ट रहता है, उसको आप दिन में इनेबल रखो, और जब अंधेरा हो चारों तरफ तब आप नाइट मोड को या डार्क मोड जिसको आप कहते हो उसको इनेबल करो, ठीक है। सो इसके पीछे की साइंस हम जान गए क्या है। हम अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं और गुड बाय।